पहली बार देख के अजीब लगा, पर अभी जो है वो काफ़ी फैमिलियर और अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो आप टॉप पे देखोगे डाविंसी रिसॉल्व के, तो ये जो फाइल एडिट मेन्यू है ऊपर का मेन्यू बार, ये सब तो प्रीमियर प्रो की याद दिला रहा है। तो प्रीमियर प्रो जैसा ही है सेटिंग्स जो मैं है, सेटिंग्स भी आपको प्रीमियर प्रो जैसे ही लगेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो काफ़ी फैमिलियर है। और एक चीज़ जो इसमें है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो पहले तो आपको यहाँ पे मीडिया और नीचे सबके पेजेस दिए, तो पहले आप चाहे मीडिया इंपोर्ट कर सकते हो सब एक साथ, यू कैन सी योर ड्राइव्स, जो काफ़ी अच्छा है, CE और WD स्टोरेज। तो यहाँ पे मैं दो वीडियोस जो मैंने रिकॉर्ड किए वो मैंने अभी इंपोर्ट किए। कट ये है सेपरेट, पहले मैं कट ट्राई कर रहा था, इसका साइज़ जो है वो काफ़ी अजीब आ रहा था, और ये ऊपर का एक मिनी बार है शायद, तो आप दोनों ही देख सकते हो। लेकिन कट जो है वो मेरे को लग रहा था कि ये ऐसे ही रहेगा, पर हाँ जब मैं एडिट पे गया तो ये एडिट पे अच्छे से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो पूरा टाइमलाइन है वो एडिट पे आ रहा है, मतलब आँखों को काफ़ी अपीलिंग लग रहा है कंपेयर टू प्रीमियर प्रो। मैंने इसको पहले एक बार यूज़ किया था तब अजीब लगा था, लेकिन मेरे ख्याल से अब जो है एक ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद ये काफ़ी फैमिलियर लग रहा है। मतलब ये फर्स्ट टाइम है, मैंने अभी बस 5 मिनट ऐसे प्ले अराउंड किया और मैं सोचा चलो वीडियो ही बना लेता हूँ इसकी, तो बस 5 मिनट हुए अभी, और फिर मैंने अब ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पहली बार इसमें आ रहे हो डाविंसी में, तो मेन एडिट पेज में ही आपको एडिट करना है, ना कि कट पे। पहले आपको लगेगा कट, पहले ये डिफ़ॉल्ट कट ओपन होगा, कट वाला पेज, लेकिन फिर एडिट पेज है जो मेन है। और एक और चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी, यहाँ पे आपको बिन का भी ऑप्शन है जस्ट लाइक प्रीमियर प्रो। एक चीज़ जो इसकी कमाल है वो इसका UI है। मैं इसको यूज़ करने के बाद मैं भूल गया मैं विंडोज़ में, मुझे पूरा ये मैक और लिनक्स की याद दिला रहा है। लिनक्स में भी ऐसे ही मेन्यूज़ और फॉन्ट UI रहता है जैसे आपको उसमें दिख रहा है, और मैक OS का भी जो फॉन्ट है, जो UI है, वो एकदम ऐसा ही है। तो लिनक्स का UI और ये काफ़ी मैक जैसा फीलिंग भी दे रहा है, तो मतलब काफ़ी आपको प्रोफेशनल एडिटर वाली फील देगा। ये आप वीडियो में देख रहे हो, तो यहाँ पे जो है वो आपको, यहाँ पे आपको आई बटन दिखेगा, आई बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपको वीडियो की डिटेल्स जो दिखा देता है। मेरा फेवरेट फीचर है अब तक का, ये वीडियो का लेंथ क्या है, रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, जो कोडेक है 264 है, और ऑडियो कोडेक, ये सब एक साथ दिखा देता है। तो ये काफ़ी मेरे को यूज़फुल फीचर लगा। यहाँ पे हम थोड़ी सी एडिटिंग करके देख लेंगे, अब मेन्यू चेक कर लेते हैं। तो इसमें आपको बिन मिल जाता है, बिन में आप एक फोल्डर जैसा होता है, उसमें आप अलग चीज़ें डाल सकते हो, जैसे PNGs डाल दी, सिर्फ बी रोल्स का एक फोल्डर बना दिया, तो उसको बिन बोलते हैं। तो कॉपी पेस्ट आप देखो, ये UI पूरा मैक OS और लिनक्स वाली फीलिंग देता है। तो यहाँ पे आपको ट्रिम में ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, टाइमलाइन में भी बहुत डिटेल्ड ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। मतलब फ्री के हिसाब से मेरे को तो लग ही रहा है कि भैया मैं प्रीमियर प्रो ही यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा लुक चेंज हो रखा है उसका। बस मार्क भी आपको मिल जाता है, मार्क इन मार्क आउट, जो मेरे ख्याल से एक वीडियो एडिटर के लिए और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। आप मार्क इन मार्क आउट कर सकते हैं, तो ये भी मैं फीचर है यूज़ करने ही वाला हूँ। वीडियो को मार्क इन किया, मार्क आउट किया, अभी ट्राई कर लेते हैं, स्टार्टिंग में शायद दिक्कत हो। तो ये रहा मार्क इन मार्क आउट, ये फीचर था जो प्रीमियर प्रो में मैं बीच बीच में यूज़ करता था नॉर्मली, जैसे एक ही वीडियो टाइमलाइन में दो लैंग्वेजेस की वीडियो कर ली, तो आप एक इन एंड आउट मार्कर से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा फीचर है। बाकी मैं न्यू हूँ, अगर आपको कोई मिस्टेक्स नोटिस हो रही है तो वो आप मुझे बता सकते हो। क्लियर इन एंड आउट भी है, तो हमने क्लियर कर दिया तो वो ब्लू जो बार था वो चले गया है। तो ये मार्क का डेडिकेटेड जो दे रखा है काफ़ी अच्छा है, और ये पूरा प्रीमियर प्रो वाला ही फीलिंग दे रहा है मुझे। कलर, इस पर कलर का भी मिल जाता है, हम कलर अभी चेक कर लेते हैं। वर्क स्पेस में आप पेजेस देख सकते हो, मीडिया स्विच करने के लिए शो पेज, हम सब पेजेस ऑन है, फेयर लाइट का तो जरूर, लेकिन हम पेजेस चेक कर लेते हैं। एडिटिंग तो मेन तो ये है, ठीक है, एडिटिंग का मैं आपको टाइमलाइन एक बार दिखा देता हूँ। आपको बीच बीच में एम्प्टी स्पॉट्स दिख रहे हैं, हम उसको कट करेंगे, फिर बाद में एडिट करेंगे, ओवरलेस, ऑडियो, जो भी हो सकता है वो हम इसको इम्प्रूव करेंगे। तो हम फ्यूजन में देख लेते हैं क्या है। फ्यूजन नोट्स है, हाँ, इसका एक जो फीचर बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता वो है नोट का, और मेरे को भी नोट से नहीं समझ आता है, तो नोट्स एडिटिंग करना सीखना पड़ेगा। नोट वाला कुछ समझ नहीं आता कैसे काम, ब्लेंडर में भी जो नोट्स है वो मेरे को नहीं कुछ समझ आता, तो सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पे ही मैं वीडियो देख रहा था इस पर रिसर्च करने के लिए, तो एक
जो प्रोफेशनल एडिटर है वो भी बोलता है कि नोट्स नहीं आता, तो नोट्स सिस्टम मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, वो कुछ अजीब सा ही लगता है नोट्स वाला सिस्टम। तो भाई ये फ्यूजन मुझे नहीं पता क्या है, आपको अगर पता हो तो आप बता दो मुझे। ऊपर क्लिप्स है, ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट एम्बियंट, आपको लाइटिंग मिल जाती है आपको। तो आई थिंक हमें नोट से इस पे इफेक्ट्स लगाने होंगे, जो कि जैसे ब्लर इफेक्ट हो गया, ब्लर जैसे हमने लगा दिया, मेरे को पता नहीं मिली है, लेट्स सी कहाँ पे लगेगा नोट। अच्छा, यहाँ पे आपको इंस्पेक्टर में टूल्स मिल जाता है, फास्ट ब्लर, ब्लर का साइज़, ब्लेंड मोड, ये सब आपको मिल जाए। ब्लर साइज ओके, तो यहाँ पे ब्लर हो गया। चलो एक चीज़ तो हमने आते ही सीख ली, वो है ब्लर की। ये पूरा प्रीमियर प्रो के इफेक्ट्स टैब वाला चीज़ है, इसमें भी इफेक्ट्स ही नाम है, पर फ्यूजन के अंदर आपको मिलेगा काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है। प्रीमियर प्रो में आपको ढूंढना पड़ता है, छोटा सा बॉक्स रहता है उस पर हर एक चीज़ को एक्सपेंड करो। इसमें ये मेरे को अच्छा लगा, फ्री सॉफ्टवेयर होके भी बताओ कितना अच्छा है, सब एक्सपेंडेड मिल जाते हैं, तो आप फटाफट देख सकते हो कुछ अच्छा। आपको ये लगा कि ये रेज है तो रेज का ट्राई कर सकते हो। तो ये नोट सिस्टम में मीडिया 1 और मीडिया 1 आउट, तो आई थिंक ये स्टार्टिंग पॉइंट ही एंड पॉइंट है, और इसमें हमने ब्लर लगा दिया है, तो ये ओवरऑल फुल वीडियो में ही ब्लर जाएगा। पर हम इसको डिलीट, फिलहाल डिलीट कर देते हैं, डिलीट भी काफ़ी ईजी है, बाकी तो एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें अपने आप ही। फॉग भी है इसमें, शेडर भी है, टेक्सचर, तो काफ़ी प्रोफेशनल लेवल का है, नो जोक, काफ़ी अच्छा एडिटर है। अच्छा, ये इसका कलर पेज आ गया, इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए, ऐसे ही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं ट्यूटोरियल नहीं बना रहे, ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। कलर में लिफ्ट, गैमा, गेन, ऑफसेट आपको मिल जाता है, प्राइमरी कलर, व्हील्स को हम प्रैक्टिस करेंगे, सब व्हील्स आपको इधर दे रखे हैं, कैमरा ये रॉ है, ये कलर मैच है, कलर व्हील्स प्राइमरी, HDR के कलर व्हील्स, RGB मिक्सचर, UI में काफ़ी फ्रेंडली है ये। जब मैंने प्रीमियर प्रो यूज़ किया था उसमें थोड़ा टाइम लगता है मिलने में। कर्व्स है, कलर स्लाइस, कलर वॉर्पर, क्वालिफायर, विंडो, ट्रैकर, ब्लर, की, साइजिंग, 3D, वाह, बहुत सारे फीचर्स है। और ये अगेन यहाँ पे नोट वाला सिस्टम आ गया है। फेयर लाइट आई थिंक ऑडियो से रिलेटेड है, फेयर लाइट का मुझे आइडिया नहीं क्या है, पर ऑडियो से रिलेटेड लग रहा है, पर अभी हम इसको देखेंगे। तो अगर आपको ऑडियो, आई थिंक ये ऑडियो इफेक्ट्स होगा, इसमें आपको ऑडियो इफेक्ट्स मिल जाएंगे, एक्को डिस्टॉर्शन, लाउडनेस मीटर, रिवर्ब पिच, डी नॉइजर देखना पड़ेगा, डी हमर, डी एसर, ये सब तो थे, एक्को बेस इसमें नहीं मिल रहा, पर देखेंगे वो बाद में देखेंगे, अभी तो इतना टाइम नहीं। ऑडियो ट्रांजिशन है, क्रॉस फेड, ये सब भी था। तो प्रीमियर प्रो के बहुत सारी चीज़ तो मिल ही जाती है आउट ऑफ द बॉक्स। साउंड लाइब्रेरी, ये आई थिंक फ्री साउंड लाइब्रेरी भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये इसका एक अच्छा फीचर लगा। और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे आपको ऑडियो पैनल मिल जाएगा और आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। डिलीवर में आई थिंक ये एक्सपोर्ट है, और ये इस पर अच्छा है, प्रीमियर प्रो में हम फाइल में जाए ऊपर, यहाँ पे एक्सपोर्ट है कि नहीं है, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट है, तो प्रीमियर प्रो वाला ही आपको मिल जाता है। पर आपको मेक श्योर ये करना है कि जब आप सेटअप करोगे तो आप वो पूछेंगे आप पहले कौन सा एडिटर यूज़ करते हैं, तो उसमें आप प्रीमियर प्रो सिलेक्ट करो, तो एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट जो है वो आप टाइमलाइन सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो सीधा डिलीवर पेज पे आओ, सबसे बेस्ट है। आप यूट्यूब के लिए कर सकते हो, यहाँ पे सब आप जो है मेटा डेटा वो आप डाल सकते हो, कौन सा कोडेक चाहिए, कितना फ्रेम FPS आपको चाहिए, क्या बिटरेट रखना है, क्या एडवांस सेटिंग में कौन सा ऑडियो कोडेक यूज़ करना है, वो सब आप रख सकते हो। तो आई थिंक ये सब पेजेस हमने कवर कर लिए फॉर फर्स्ट टाइम के लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, फटाफट एडिट की ट्राई करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं बोलूँगा अगर आप जो है वो आने का सोच रहे हो डाविंसी में, और आप प्रीमियर प्रो अलग वाला यूज़ करते हो, और आप अब उसको छोड़ना चाहते हो कि सब फीचर्स नहीं मिल रहे, काम नहीं कर रहे सब फीचर्स, और डाविंसी में तो फ्री में आपको लेटेस्ट फीचर्स, इम्प्रूव्ड फीचर्स मिलेंगे, प्रीमियर प्रो अगर आप अलग तरीके से पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो मैं तो बोलूँगा आप डिलीट करके आप भी आ जाओ फ्री वाले स्टैंडर्ड में जो डाविंसी है। अगर आप जानना चाहते हो मैंने क्यों जो है वो डिलीट किया प्रीमियर प्रो, तो वीडियो आई कार्ड में मिल जाएगी। तो अभी के लिए आई थिंक इस वीडियो को यही रोक देते हैं, फिर मैं शायद अलग फॉलो अप वीडियो बनाऊँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा प्रीमियर प्रो और डाविंसी में, थोड़ा इसको और यूज़ करके। तो दोस्तों आई थिंक इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और मिलता हूँ आपसे
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।